सो चलिए गाइस, आज हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर और ऑप्टिकल एक्टिविटी की बाकी दो बेसिक टर्म को समझते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आपको कायरल प्रॉपर्टी का आपको क्या किया था, डेफिनेशन बताया था ना। व्हाट इज कायरल प्रॉपर्टी? एक्चुअली कायरलिटी होती क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो कायरल है, वो कायरल प्रॉपर्टी रखता है। और उसमें मैंने एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। एन ब्यूटेन में जैसे ही मैंने सेकंड कार्बन पर क्लोरीन लगा दिया था तो हमने ये देखा था कि बेसिकली हुआ क्या था, वो कार्बन असिमेट्रिकल हो गया जिससे वो कायरलिटी प्रॉपर्टी को शो करने लगा। आता है सबको समझ में? सो फाइनली ये एक पर्टिकुलर थिंग है जो हमको ध्यान देनी है, अगर कोई असिमेट्रिकल कार्बन है तो वो कायरलिटी शो करेगा। क्लियर होता है? यानी कि वो कार्बन जो कि चारों तरफ से चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट अटैच कर रहा है अपने साथ, वो कायरल होगा। बस सेकेंड बेसिक टर्म हमारी वही है आज की, तो पहले लिखिए उसको, लिखिए कायरल कार्बन, लिखिए हमारा जो सेकेंड बेसिक टर्म है दैट इज कायरल कार्बन, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कायरल कार्बन। सो कायरल कार्बन को हम लोग सिर्फ इसी नाम से नहीं जानते, कायरल कार्बन के नाम बहुत हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये किन किन नामों से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कोल्ड असिमेट्रिकल कार्बन, लिख लीजिए असिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। इसको हम लोग असिमेट्रिकल कार्बन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कायरल सेंटर, इसको कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्टीरियो सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्टीरियो सेंटर के नाम से भी जानते हैं। आप किसी नाम से भी इसको पुकार सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेंटर जिससे स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो रही है, एक ऐसा सेंटर जो कि कायरल है, और एक ऐसा सेंटर जहां से असिमिट्री पैदा हो रही है। क्लियर हो गया? क्योंकि असिमिट्री होगी तभी कायरलिटी होगी। सबको समझ में आ गया? सो अब इसको लिखते हैं कि कायरल कार्बन होता क्या, कई बार पूछते हैं, तो यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, लिखिए नोट, कायरल कार्बन इज, नोट में लिखिए, कायरल कार्बन इज sp3 hybridized, ठीक है, sp3 hybridized कार्बन, ठीक है, whose valencies are completed with, ठीक है, completed with four different groups, including hydrogen. अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि कायरल कार्बन क्या होता है, जरा ध्यान से उसको पढ़िए। उसको तीन नामों से जाना जाता है, असिमेट्रिकल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर। और ये एक ऐसा कार्बन होता है जो कि कैसा होता है, खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसका मतलब समझिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कार्बन, वो कार्बन जो कि कायरल होगा वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब हो गया वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। उसकी खास बात, वो जितने भी चारों वैलेंसीज अपनी पूरी कर रहा है वो डिफरेंट ग्रुप से होने चाहिए, और उनमें से एक वैलेंसी वो हाइड्रोजन से भी पूरी कर सकता है। क्लियर हो गया? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक और फ्रेश एग्जांपल देता हूं, ध्यान से उसको समझिएगा। जरा देखिए, हमको पता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होएगा तो एक्चुअल में उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। लास्ट टाइम भी तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी, मैं स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होएगी, यस और नो। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। लास्ट एग्जांपल था ये, देखिए ये हमारा कार्बन रहा, और ये चारों डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी से अपनी क्या कर रहा है, वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर मैंने, मान लेते हैं कि मैंने लगा दिया C2H5, यानी कि इथाइल ग्रुप तो मैंने ऊपर लगा दिया और मिथाइल ग्रुप मैंने यहां लगा दिया। ध्यान से उसको देखिएगा, देखिए ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक ही प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में ये दो ग्रुप आ गए, और एक ग्रुप आपकी तरफ, ठीक है, यूं, और एक ग्रुप आपसे दूर, इस तरह से होगा, एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर। तो देखिए, तो जो आपकी तरफ है उसको वेज लाइन से दिखाते हैं, ये लीजिए वेज लाइन से मैंने दिखा दिया, ठीक है, और उसमें सपोज कीजिए कि मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और आपसे दूर वाला जो है बेसिकली उस पर क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन। तो ध्यान से इसको देखिए, अब एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और ये चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब ये पक्का है ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है, ना तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलेगी, मतलब किसी तरह का सिमेट्री पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सिमेट्री का मतलब आप इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ट्राई करके देख लो,
सिमिट्री का मतलब ये है कि आप किसी भी वे से इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करके बता दो, नहीं होगा। अब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये असिमेट्रिकल कार्बन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कायरल, क्योंकि ये कायरलिटी शो करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। नाउ अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसपे स्टार लग रहा है ये कायरल कार्बन कहलाएगा। मजे के बाद एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जिस मॉलिक्यूल के पास एक कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का सेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं, धीरज रखिएगा बस, अब पढ़ते जाइए, जरा ध्यान से इसको देखिए। इसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं और ये जो कंपाउंड है कायरलिटी शो करेगा, मतलब ये असिमेट्रिकल है, इसमें कोई तरह की सिमेट्री नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को, मतलब ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इमेज नहीं हो सकता। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी तो कैसे बनाऊंगा, ये देखिए, ये तो है मिरर, मिरर देखिए, ये मिरर लगा दिया बीच में, सबको समझ में आ रहा है। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, चलिए कार्बन ये रहा तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये आपको यहां पे दिखाई देगा, यस और नो, ये क्लोरीन लगा दिया, वेज पोजीशन यहां दिखाई दे रही है, वेज पोजीशन पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, एक ग्रुप ऊपर है कौन सा वाला C2H5 और एक ग्रुप इस तरफ है वो कौन सा है CH3, ये उसकी मिरर इमेज है। क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में ये अलग कंपाउंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से और वो अलग कंपाउंड है। एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री थी क्या, थ्री डायमेंशन में आपके एटम का अरेंजमेंट अलग अलग था, यहां पर एटम का अरेंजमेंट अलग है, वहां पर एटम का अरेंजमेंट अलग है। हालांकि देखिए यहां पर कनेक्टिविटी सबकी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, आयोपैक नेम भी सेम ही होगा, लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, पीपीएल को क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। क्लियर हो गया। अब ये पीपीएल क्या है, उसका फंडा, यानी कि वो हमारी बेसिक तीसरी टर्म भी है। क्लियर होता है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहां पर ये कायरल कार्बन का एक फ्रेश एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक और फ्रेश एग्जांपल देता हूं और उसकी मैंने मिरर इमेज भी बना दी यहां पर। इसका मतलब ये दोनों यहां पर क्या है, बेसिकली ये दोनों यहां पर कायरल कार्बन को शो तो कर ही रहे हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट कंपाउंड है, हालांकि एक दूसरे की मिरर इमेज है। और मजे की बात देखिए, यहां पर एक और छोटी सी टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कराता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा भी, ये कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज आपस में दोनों की ये जो जोड़ी है ये कहलाती है एनांशियोमर्स। क्या कहलाती है, एनांशियोमर्स। क्या कहलाती है, एनांशियोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। यहां पर ये कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकती, आप इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करो, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होगी, नहीं, एज इट इज इसको उठाइएगा और इसको यहां रखिएगा तो क्लोरीन वो वाला इधर आएगा, तो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते। यानी कि ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते, उसको हम लोग एनांशियोमर्स कहते हैं। मैं इसको फ्रेशली लिखवा भी दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते, उनको हम लोग एनांशियोमर कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज होना जरूरी है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनांशियोमर। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और फ्रेश एग्जांपल देता हूं जो काफी बार आता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल बहुत ही फ्रेश एग्जांपल है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल देखिए, लैक्टिक एसिड क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कि ये है कार्बन कार्बन और इसको कायरल बनाना है, तो मतलब इसकी चारों वैलेंसीज कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से पूरी करनी है, टेट्राहेड्रल होएगा। सपोज कीजिए क्योंकि एसिड है तो ऑब्वियसली CWH ग्रुप तो होएगा ना, तो एक ग्रुप तो ये हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुप प्लेन के अंदर ही मैं यहां पर किसको अटैच कर दे रहा हूं, CH3 को। ठीक है, 2-hydroxypropanoic एसिड भी कहते हैं इसको, तो दो वैलेंसी तो पूरी हो गई, तो मैंने बोला 2-hydroxypropanoic एसिड, इसका मतलब OH ग्रुप है। अब मैं करता हूं वेज पोजीशन पे, ध्यान से उसको देखेगा, यानी कि आपकी तरफ वेज पोजीशन पे मैं किसको लगा रहा हूं, OH ग्रुप को, और डैश पोजीशन पे मैं किसको लगा दे रहा हूं, H को। ध्यान से इसको देखिए, अब ये एक ऐसा कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस और नो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है और चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से पूरी कर रहा है। इसका नाम क्या हो गया, अगर आयुपैक नेम लिखे तो यहां पर दोगे 1, उसके बाद यहां 2 और यहां पर 3, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 2-hydroxy। ठीक है, 2-hydroxy और 3 कार्बन है तो propanoic एसिड, ये इसका नाम है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, बहुत फेमस है। और लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन क्यों है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये चारों अलग अलग ग्रुप से अटैच है, ये कायरलिटी शो करेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब इसी की मिरर इमेज बना देता हूं यहां पे, ध्यान से उसको देखिए, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं
तो ऑप्टिकल के हिसाब से एक नया आपके पास कंपाउंड मिल जाएगा। हालांकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन ऑप्टिकली ये डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट। तो यहां पे इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, तो यहां पर कार्बन लगाऊंगा। आप देखिए ना मिरर इमेज में, अगर मिरर में देखते हो तो ये आपको सबसे पहले दिखेगा। तो यहां पर डैश पोजीशन पे मैंने किसको लगा दिया, हाइड्रोजन को। वेज पोजीशन पे मैंने किसको लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, दिख रहा है। और ऊपर मैंने किसको लगाया, सी डबल ओ एच को, और नीचे मैंने किसको लगाया, सी एच थ्री को। ये लीजिए, देखिए ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सबको समझ में आ गया, ध्यान से उसको देखिएगा। ये यहां पर नहीं आएगा, यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, सी एच थ्री। ये देखिए ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों को इलेक्ट्रिक एसिड कहते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि ये पीपीएल को अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि वो उसकी मिरर इमेज है। क्लियर हो गया, वो उल्टा काम करेगा जो ये करेगा। इसका मतलब ऑप्टिकली, ऑप्टिकल के हिसाब से दोनों डिफरेंट हैं। तो ये मैंने फ्रेश एग्जांपल आपको दिया और मैंने आपको दूसरी बेसिक टर्म कराई कि कायरल कार्बन क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं पीपीएल पीपीएल पीपीएल, तो लिखिए पीपीएल क्या होता है, तीसरी बेसिक टर्म। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइज, ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए तीसरी बेसिक टर्म को समझते हैं, दैट इज पीपीएल। इससे पहले तक दो बेसिक टर्म करवा चुका हूं, कायरल प्रॉपर्टी यानी कि कायरलिटी एंड कायरल कार्बन। सबको क्लियर हो गया। अब थर्ड बेसिक टर्म इज पीपीएल, फुल फॉर्म लिखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल लाइट होती है ना, उसमें जो लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में होती है। जरा समझिए, अगर ये कोई लाइट सोर्स है, इस चीज को समझिएगा, अगर ये कोई लाइट सोर्स है और इसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो लाइट जो निकलेगी वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर होगी, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में यहां पर आपको स्कैटरिंग उसकी दिखाई देगी, हर एक डायरेक्शन में उसका लाइट आपको दिखाई देगा, उसका बीम आपको दिखाई देगा। क्लियर होता है। तो ये तो पीपीएल नहीं है, इसको सिंपल लाइट कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए लाइट कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो होती है लाइट, ठीक है, और ये हर डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, स्कैटर होती है। अब देखिए, अब ये तो हर डायरेक्शन में जा रही है, आप इसके सामने क्या करिए, इसी सिंपल लाइट के सामने मैंने निकोल प्रिज्म लगा दिया, ध्यान से इसको समझिएगा, ये है निकोल प्रिज्म, मैं लिख देता हूं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म की क्या खास बात होती है कि ये जो सिंपल लाइट है उसको वो पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब समझिए जरा, पीपीएल में मतलब ये जो हर एक डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड लाइट है उसको यूनिडायरेक्शन बना देगा। यूनिडायरेक्शन का मतलब सिंपल एक ही डायरेक्शन दे देगा सबको। ध्यान से इसको देखिए, बड़ा मजेदार है ये। अगर आपने ये लाइट इस पर इंसिडेंट करवाई तो ये लाइट जो है बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूनिडायरेक्शन हो जाएगी। तो ये यूनिडायरेक्शन ये जो लाइट हो गई है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये ऐसा ही है, सपोज कीजिए कि ये विंडो है, ध्यान से समझिएगा, ये विंडो है और विंडो पे ना ये जाली, ये क्या बोलते हैं, लोहे की ताड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये ग्रिल्स, लोहे की ग्रिल्स लगी हुई है, सबको दिख रहा है, और ये ऐसी है विंडो। अब सपोज कीजिए कि मुझे कोई चीज बाहर फेंकनी है, ध्यान से उसको देखिएगा, मुझे कोई चीज बाहर फेंकनी है और मैंने ना उसको अरेंज ही नहीं किया, तो ये दो चीजें मुझे बाहर फेंकनी है सपोज, ठीक है, वट एवर बी दैट, ठीक है, ये दो चीजें मुझे बाहर फेंकनी और मैं फेंकने जा रहा हूं। अब फेंकूंगा तो ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इन चीजों, क्या ये बाहर जाएगी इससे, नहीं, तो ये तो खत्म हो गई। लेकिन जो यहां पे इसके पैरेलल है, जरा समझिए, ये वाली तो नहीं जा रही बाहर, लेकिन इस ग्रिल के जो पैरेलल है वो तो आराम से बाहर निकल सकती है। इस चीज को समझ में आ गया। तो ग्रिल के पैरेलल वाली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो तो ग्रिल से बाहर निकल रही है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो तो बाहर नहीं निकल रही, तो वो तो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा ही प्रिज्म के साथ भी होता है। प्रिज्म क्या करता है, जो इसके पैरेलल आ रही है उनको बाहर निकाल रहा है, और फाइनली जो उसके परपेंडिकुलर है या फिर डायरेक्शन में नहीं आ रही है उनको बाहर ही रोक देता है। तो फाइनली हमारे पास एक क्षण के यहां पर लाइट बाहर निकलती है, जिसको हम लोग पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, और एक्चुअल में फिजिक्स का फिनोमेना है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो। हमें बस सिर्फ इतना समझना है कि यूनिडायरेक्शन होती है। सबको समझ में आ गया। और इसको आप पैदा कैसे करते हो, ये हमारी सिंपल लाइट है, ये सिंपल लाइट बीम है, ठीक है, और सिंपल लाइट बीम को अगर आप पीपीएल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वी नीड निकोल प्रिज्म, जो कि इसको क्या करेगा, यूनिडायरेक्शन बना देगा। सबको समझ में आता है, यूनिडायरेक्शनल बना देगा। क्लियर हो गया सब लोगों को, बस इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। सबको क्लियर है। अब जब हमने पीपीएल पढ़ी लिया है तो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं। हमारी तीन बेसिक टर्म खत्म हो गई, बस उसी से हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना है। पहला तो था कायरलिटी, ये हमने खत्म कर लिया। दूसरा था कायरल कार्बन,
ठीक है, कायरल कार्बन ये सेकेंड टर्म थी, और तीसरी टर्म हमने समझी पीपीएल। अब इन तीनों की मदद से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ सकते हैं, तो मैं इधर लिखता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है जरा समझिए। देखिए हम क्या करें, एक ऐसा सोर्स पैदा करें, ठीक है, जिससे लाइट स्कैटर हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में, ध्यान से उसको समझिएगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। अब उसके सामने सबसे पहले मैंने निकोल प्रिज्म लगा दिया, तो मुझे पीपीएल मिल गई, क्लियर होता है सब लोगों को, ये पीपीएल मिल गई मुझे यूनिडायरेक्शन, ये पीपीएल मिल गई, और ये कौन है, निकोल प्रिज्म, ध्यान से उसको देखिएगा, नाउ दिस इज निकोल प्रिज्म, ठीक है, और ये है सिंपल हमारी लाइट, हमारी पीपीएल मिल गई। अब क्या करिए, आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप क्या करिए, ठीक है, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भरिए, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब जिसके पास कायरल सेंटर हो, क्लियर होता है, जैसे कि अभी आपने देखा, अगर मैंने यहां पर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भर दिया, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब जिसके पास कायरल सेंटर हो, मैंने बोला ही अभी, ठीक है, कायरलिटी हो जिसके पास, ठीक है, कायरलिटी हो जिसके पास, ऐसा कंपाउंड भर देना है आपको, क्लियर हो गया। तो ये कायरलिटी जो शो करेगा, वो कंपाउंड अगर आपने इस बीकर में भर दिया और पीपीएल इससे अगर आपने पास करवाई, तो मजे की बात, ये जो आपने कंपाउंड भरा है, इस आने वाली पीपीएल को या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा किसी एंगल से, ध्यान से इसको समझिएगा, किसी एंगल से या तो वो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, क्लियर होता है, सो दिस इज क्लॉकवाइज, या फिर वो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो या तो वो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा किसी एंगल से, या वो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। मजे की बात, अगर उसने पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल से घुमा दिया है, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर होता है सब लोगों को, और उसे पॉजिटिव कंपाउंड भी कह सकते हो, पॉजिटिव के साइन से दिखाते हैं, क्लियर हो गया, या स्मॉल डी के साइन से भी दिखाते हैं, स्मॉल डी, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर आपने उस कंपाउंड को भर दिया और पीपीएल पास करवाई, जैसे आपने पीपीएल पास करवाई और अगर उसने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर पॉजिटिव की तरफ घुमाने वाला, या फिर स्मॉल डी वाला कंपाउंड, क्लियर हो गया। और अगर इस कंपाउंड ने, ये देखिए यहां पर और लगा हुआ है, ध्यान से इसको समझिएगा, और तो यहां पर मैं और लगा देता हूं, या तो ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन में घुमाएगा, या तो उसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या उसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये नाम हो गया, और अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। कोई एक कंपाउंड जो है या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, लीवो मतलब नेगेटिव, और उसे स्मॉल एल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए स्मॉल डी एंड स्मॉल एल के नाम से जाना जाता है, मैं यहां पर एक नोट लगाता हूं, ध्यान से उसको समझिएगा, कि कोई भी कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लग सकता है, ठीक है, हम उसको थ्योरेटिकली नहीं बता सकते कि वो उसको पॉजिटिव घुमाएगा कि नेगेटिव, इट इज ओनली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, आपका कोई अदर वे नहीं है एक्सपेरिमेंट के अलावा। और उसको कैसे मेजर करते हैं एंगल को? पोलैरिमीटर से, ठीक है, पोलैरिमीटर से उसको मेजर करते हैं, ध्यान से उसको समझ लीजिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, क्लियर होता है सब लोगों को। सो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहां पर अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और यह सिर्फ चीज एक्सपेरिमेंट से पता लग सकती है, क्लियर होता है, और यहां पर पोलैरिमीटर इसको इसके एंगल को मेजर करके दे सकता है। अब हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है कि पोलैरिमीटर क्या है, कैसे करता है, उसका एक डिफरेंट फॉर्मूला है, वो भी आपको आगे जाके पता लग ही जाएगा, एक चैप्टर में आएगा, बट जरूरत नहीं पड़ती है उसकी इतनी कुछ खास। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब यह है कि ऐसा कंपाउंड जो कि पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, और इसी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। अगले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? रेसमिक मिक्सर पढ़ाऊंगा, एक तो क्लियर होता है, रेसमिक मिक्सर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनांशियोमर बता चुका हूं, डायस्टीरियोमर बताऊंगा, एनांशियोमर डायस्टीरियोमर बताऊंगा आप लोगों, ठीक है, डायस्टीरियोमर, और उसके अलावा मीजो कंपाउंड क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। तो अगला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिल देन इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, सो फाइनली इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी में ध्यान से इसके नोट्स बनाते जाओ, आगे वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा काम देगा, और बार बार जब मैं इसकी रिपीटेशन करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हमने पढ़ा क्या था।
क्लियर होता है सब लोगों को, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। टिल देन गाइज, अगली वीडियो को वेट करिए और इन वीडियोज़ को उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोचिंग फ्री इंडिया के इस कैंपेन में आप हमारा साथ भी दे सकते हैं, आप हमें डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा सा डोनेशन बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है, अगर आप कैपेबल हैं। जितना कैपेबल हैं आप पेटीएम के थ्रू या फिर अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।